नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपका बहुत स्वागत है। राजधानी दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जैसा एक और जघन्य हत्याकांड सामने आया है। ये मामला पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके का है, जहां अंजन दास नाम के एक शख्स की पहले हत्या की गई, उसके शव के तमाम टुकड़े किए गए, उन्हें घर के फ्रिज में रखा गया और फिर एक एक करके शव के सभी टुकड़ों को रात के अंधेरे में घर के पास ही एक मैदान में फेंक दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस शख्स को उसी के बेटे और पत्नी ने मिलकर मौत के घाट उतारा और फिर उसकी लाश को इस तरीके से ठिकाने पर लगा दिया। खास बात यह भी रही कि शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाते हुए माँ और बेटा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर है इस समय वो सीसीटीवी फुटेज, देखिए लाल घेरे में आपको ये महिला और उसका बेटा नजर आ रहे हैं। दोनों माँ बेटा रात के अंधेरे में निकलते थे शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए, कभी अकेले तो कभी अलग अलग। अपने पिता के शव के टुकड़ों को इस मैदान में ये शख्स फेंक कर अपने घर लौट जाता था। ये भी आपको बता दें कि दरअसल श्रद्धा मर्डर केस की ही तरह ये मामला भी ताजा नहीं है, बल्कि कुछ महीने पुराना है। ये मामला जून का है, जब स्थानीय पुलिस को अलग अलग जगहों पर एक शव के टुकड़े मिले थे। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच के लिए इस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, छानबीन शुरू की और डोर टू डोर जांच के दौरान इस घर का पता चला, जहां ये महिला और एक युवक इलाके में कुछ फेंकते हुए रोजाना नजर आते थे। इसके बाद पुलिस को शक हुआ, दोनों को पकड़ा गया, दोनों से कड़ी पूछताछ की गई और उसके बाद ये पता चला कि दोनों ने मिलकर इस अंजन दास नाम के शख्स की हत्या की थी, और जो कि लड़के का पिता था और महिला का पति था। शुरुआती पूछताछ में जो बात सामने आई है वो ये कि अवैध संबंधों के चक्कर में इस शख्स को मौत के घाट उतारा गया। बताया जा रहा है कि माँ और बेटे पिता की हरकतों से परेशान चल रहे थे। मृतक अंजन दास के दूसरी औरतों से संबंध थे, जिससे परिवार परेशान रहा करता था। इसके अलावा मृतक की शराब की लत से भी माँ बेटा आजे जा चुके थे। बताया जा रहा है कि नशे की गोली खिलाकर माँ और बेटे ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर पूरे मामले को छिपाने के लिए उसकी बॉडी के टुकड़े करके घर के फ्रिज के अंदर रखा। उस फ्रिज की तस्वीरें भी सामने आई हैं और फिर धीरे धीरे शव के टुकड़ों को इस मैदान में ठिकाने लगाया गया। तो पहले श्रद्धा हत्याकांड, फिर दिल्ली का ही आयुषी हत्याकांड और अब पांडव नगर में सामने आई इस वारदात से राजधानी दिल्ली दहल गई है। हर कोई सोशल मीडिया पर यही कह रहा है कि आखिर समाज को हो क्या गया है। NBT ऑनलाइन के लिए नई दिल्ली से नवीन निश्चल की रिपोर्ट।